हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगले ऑब्जेक्टिव का सेट। जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनका एक सेट मैं लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए, उसको हम करने वाले हैं। तो आपने पिछले सारे वीडियो देखे होंगे, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियो को देखिए, वो आपके स्कोर को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और आज हम करने वाले हैं 172 से 191 का एक क्वेश्चनों का सेट। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 172 का, स्तनपाई जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लसीका वाहिका। लसीका वाहिका जो क्या करती है कि लसीका वाहिका शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है, यह त्वचा में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 का ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 173, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है? 173, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो मवेशी के एम बोविस संक्रमित दूध होता है, एम बोविस संक्रमित दूध होता है, उसमें उसकी वजह से मानव में टीवी जैसा रोग हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको यक्ष्मा भी बोलते हैं। यक्ष्म यानी टीवी यानी ट्यूबरक्लोसिस रोग हो जाता है मवेशी में एम बायोसिस संक्रमित दूध से। ठीक है, और यक्ष्मा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 173 का ऑप्शन एक बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 174, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं। हरे पौधे सूर्य की रोशनी की सहायता से अपने भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाशसंश्लेषण कहा जाता है। तो 174 का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 175, निम्नलिखित से संबंध जोड़िए। हरे पत्तेदार सब्जियां, एक तरफ स्रोत लिख रखा है, दूसरी तरफ विटामिन लिख रखा है। स्रोत है, विटामिन है। हरे पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए से बिल्कुल सही हो जाएगा। कच्ची पत्ती गोभी, पत्ता गोभी विटामिन B1 बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्यकार खमीर विटामिन सी से प्राप्त होता है। गेहूं अंकुरित तेल से विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है? गेहूं अंकुरित तेल से, विटामिन सी मध्यकार खमीर से, विटामिन B1 और कच्ची पत्तेदार गोभी से, और विटामिन ए हरे पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। इस तरह से ऑप्शन एक बिल्कुल सही हो जाएगा। 175 का ऑप्शन एक बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ आपको पता ना है कि जो उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार ही उत्तक संवर्धन का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से 176 का ऑप्शन टू यानी उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 177 का, क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है कि एग्रोनॉमी क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहा जाता है। पोमोलॉजी के बारे में बात करें तो जो फलों के उत्पादन वृद्धि सुरक्षा एवं उनकी नस्ल सुधार का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहला जाता है। एग्रोनॉमी की बात करें तो क्षेत्र फसलों के अध्ययन में, ओलेरिकल्चर की बात करें तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के उत्पादन का अध्ययन करना, और फ्लोरिकल्चर की बात करें तो सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 177 का क्षेत्र फसलों के अध्ययन के लिए ऑप्शन टू बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 178, यहाँ लिखा है गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर थर्ड, केरोटीन की वजह से। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि उसमें केरोटीन होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 178 का ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से जैव उर्वरक चुनिए। जैव उर्वरक कौन सा है? तो जैव उर्वरक के बारे में बात करूं तो जैव उर्वरक वातावरण में पाए जाने वाली जो नाइट्रोजन एवं भूमि में पाए जाने वाली फास्फोरस को पौधों तक पहुंचाकर कृषि को संवर्धित करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। और जैव उर्वरक के कुछ उदाहरण की बात करूं तो यहाँ पर नीलहरित शैवाल आ जाएगा, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है, और ग्रीन मॉइस्चर हरी खाद हो जाएगी, एजोला, एजोबैक्टर, राइजोबियम, साइनोबैक्टर, ये बहुत सारे जैव उर्वरक के दायरे में आते हैं जिनको जैव उर्वरक बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार नीलहरि शैवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है?
तो जो सार्स का पूरा नाम होता है वो होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बीमारी के लक्षण फ्लू से काफ़ी मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वेक्टर, जिसको बोल सकते हैं वाहक, क्या बोल सकते हैं, वाहक या वेक्टर होता है। तो रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्टर या वाहक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला क्वेश्चन है, ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, क्योंकि, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, बोला जाता है, ऊंट कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है क्योंकि वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है और उसके जठर के ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोश होता है, उसके जठर के ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोश होता है, इसलिए इसे पानी की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 182 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी होता है, क्वेश्चन नंबर 183। तो आपको पता होना चाहिए जो प्लेटलेट्स होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर पहली बात सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो जो रुधिर प्लेटलेट्स होती है, जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, का मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना होता है, जिससे कि शरीर में रक्त की मात्रा कम न हो पाए। जब किसी कटे हुए भाग से रुधिर बाहर निकलता है, तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है, इसे ही रक्त स्त्राव कहा जाता है या रुधिर का स्कंदन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है या होम्योपैथी के संस्थापक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, सैमुअल हाहनमैन, या इसका पूरा अच्छा नाम होता है डॉक्टर सैमुअल हाहनमैन। यह होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है जिसके संस्थापक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिना निषेचित या बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहा जाता है, तो आप सभी को पता है कि बिना निषेचित अंडे को पार्थिनोजिनेसिस कहा जाता है, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है 186, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन दे रखे हैं 86 में, कमजोर नज़र, विटामिन ए की कमी से होता है ना, अरक्तता, आयरन की कमी से होती है, और त्वचा समस्या विटामिन सी की वजह से होती है, और हड्डियों का टूटना कैल्शियम की वजह से होता है। इस तरह से ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब किडनी वैसे नॉर्मली खराब नहीं होती है पर खराब हो जाए तो परासरण की विधि के द्वारा डायलिसिस किया जाता है। 187 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि जो रुधिर प्रवाह में कमियां, जो बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ब्लड में मिलने लगते हैं, जो कि ब्लड का बैलेंस बिगाड़ने लगते हैं, और जिसकी वजह से एक जहर या एक विष फॉर्मेट होने बनने लगता है हमारे ब्लड के अंदर, और उसी से बचने के लिए डायलिसिस किया जाता है, या नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हम डायलिसिस की विधि को उपयोग में लाते हैं। और यह जो टेक्निक होती है वो परासरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 188, मानव का सामान्य रक्त शुगर या रक्त शर्करा स्तर कितना होता है, तो आपको होना चाहिए पता, ये होता है 80 से 90 मिलीग्राम पर डेसी लीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। होमोसेफियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मानव बुद्धिमान, 189 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 190, कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे, तो इसका कारण क्या होता है कि उनके ऊपर एक मोटा खोल होता है जिसे बीज आवरण अपारगम्यता कहते हैं, जिसकी वजह से
वो अंकुरित नहीं हो पाते। यदि अगर वो बीज पक्षी खा लेते हैं फिर उनमें अंकुरण हो जाता है। 190 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है 191। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, इसका कारण पूछा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि गन्ने में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण ही वह मीठा लगता है। यदि गन्ने के उत्पादन के दौरान पाला पड़ जाए तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। इस तरह से 191 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, यदि पकने की अवधि के दौरान उसमें पाला पड़ जाए। ठीक है, इस तरह से हमने 191 तक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।